चल रही है सोशल मीडिया की, इसके बारे में तो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डिटेल बताएंगे, लेकिन यह सफल वर्कशॉप है, यशस्वी वर्कशॉप है और इसमें जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो बहुत ही तेजस्वी कार्यकर्ता हैं और सोशल मीडिया का प्लेटफार्म भी एक चुनावी युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे करके बन गया है और उस क्षेत्र में भाजपा आज जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी सबसे अधिक अगर फॉलोअर्स किसी के पास हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस विषय को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज की कार्यशाला और कार्यशाला संपन्न होने के बाद वो इसी मोर्चे के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जमीनी स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं और आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर ओबीसी मोर्चे की वर्कशॉप हो रही है, ये आईटी टीम की वर्कशॉप है, ओबीसी मोर्चे के तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। अगर पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, वहीं जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो है ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप मौजूद हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा भाजपा का ओबीसी मोर्चा है, उसके जो है सोशल मीडिया के जो है प्रदेश मुख्यालय पर ये वर्कशॉप चल रही है, ये कार्यशाला चल रही है, ये पूरा आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये होर्डिंग लगाकर इसको जो है तैयार किया गया है, गेट है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है कि ओबीसी समाज के 2 लाख युवाओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और विशेष रूप से इसमें 20,000 ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो आईटी एक्सपर्ट होंगे, जिनको सोशल मीडिया की जो है पूरी तरीके से जानकारी होगी, जिनका 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से लेकर राज्य तक जो है तमाम तरीके से इनसे जो है सहयोग हासिल करेगी ये पार्टी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जो है अगर दूसरे दलों से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरीके से फ्रंट पर सामने आ गई, जमीनी स्तर पर ये तैयारियाँ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी अन्य समाज के साथ साथ ओबीसी को भी लामबंद करना शुरू कर दिया है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है और यही सारी रणनीतियां हैं जो 2024 को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट होता है वो देती हैं। जिस तरीके से आज यहां पे बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे ओबीसी जो है मोर्चे को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़ लखनऊ।